नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आनंद दुबे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AK पाठशाला में। उम्मीद करता हूं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, आप बहुत जोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आप लोगों का शरीर भी एकदम स्वस्थ होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए यूपी पुलिस के लिए, जिससे कि आपके एग्जाम निकलने में आपको सहायता मिले। तो प्यारे दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है कि आज से आपके एग्जाम में लगभग 48 डेज रह गए। अगर एग्जाम उसी डेट पे हो रहा होगा होता है जिस जो डेट सर्कुलेट अभी तक आपके सामने हुई है, तो मतलब 18 फरवरी को लगभग 48 दिन रह गए हैं, एक आध दिन कम ज्यादा 50 दिन होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको क्या समझना है उस चीज को आप समझिए। पहला तो ये है प्यारे दोस्तों, आपको कौन कौन सी बुकों से पढ़ना है। सबसे पहले मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि अब एक धंधा शुरू होने वाला है प्यारे दोस्तों यूट्यूब में, कि 45 दिन में ये कोर्स यूपी पुलिस का पूरा, 45 दिन में ये पूरा, 40 दिन में ये पूरा। आप सब भी जानते हो 45 दिन में ना तो कोई टीचर कोर्स करा सकता, ना कोई स्टूडेंट कोर्स कर सकता। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहले पढ़ चुका है उसको रिविजन करनी है वो तो पॉसिबल है दोस्तों, हो सकता है। लेकिन अगर कोई बिगनर आ रहा है और 45 दिन में कोर्स पूरा करने की सोच रहा है तो नहीं। इनफैक्ट मैं खुद, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप बिल्कुल बिगनिंग पे हो और आप मेरी वीडियो देख के ये सोच रहे हो कि मैं शायद बन जाऊं, तो नहीं दोस्तों, मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए यूजफुल है जो पहले से कहीं ना कहीं तैयारी में लगे हुए हैं। भले ही थोड़े सी टाइम से लगे हो, 3-4 महीने से ही लगे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी काम करेगा। लेकिन जो बच्चा आज ही पहली बार कोचिंग जा रहा है और वो ये सोचे मैं 48 दिन बाद पुलिस में लग जाऊंगा, तो नहीं भाई, कंपटीशन बहुत हाई है। 60,000 वैकेंसी बहुत है, लेकिन फॉर्म डलने भी कम से कम मेरे हिसाब से 35 लाख फॉर्म उत्तर प्रदेश पुलिस में डलने चाहिए, 30-35 लाख। अब 30-35 लाख में प्यारे दोस्तों 60,000 वैकेंसी रेशो निकाल लीजिए, कितना परसेंट जॉबलेस रह जाएंगे बच्चे इस बार भी। तो चलो खैर कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब तो करें कैसे भी करके। तो प्यारे दोस्तों, आपको क्या देखना है, देखिए आपको मालूम है हिंदी है, हिंदी में हिंदी की एक अरिहंत की बुक आती है, सबसे बेस्ट बुक प्यारे दोस्तों यही है। आपको इसी बुक से अपनी तैयारी करनी है और पतली सी बुक है, ज्यादा मोटी भी नहीं, आप इसको खत्म कर सकते हैं अगर आपने पहले हिंदी थोड़ी बहुत भी कभी पढ़ी है तो। मैथ्स की या तो आर एस अग्रवाल से आपको तैयारी करनी है या एचडी यादव से तैयारी करनी है, और दोनों पतली पतली बुक है, आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने पहले कभी पढ़ाई की है थोड़ी बहुत तो। रीजनिंग की प्यारे दोस्तों अरिहंत की बुक ले सकते हैं या केपी सिंह की बुक ले सकते हैं। रीजनिंग मतलब प्यारे दोस्तों तर्क शक्ति परीक्षण, मैथ मतलब गणित, ठीक है। और जीके जीएस की प्यारे दोस्तों आप लूसेंट ले सकते हैं, अगर आप लूसेंट आगे भी तैयारी के लिए सोच रहे हैं तो प्यारे दोस्तों लूसेंट ठीक है, लूसेंट लीजिए। लूसेंट हर किसी एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक बुक, बहुत सही है, इससे काफी एग्जाम आता है। लेकिन अगर बाई चांस आपको लूसेंट ना मिल पाए या नहीं आपको प्रोवाइड हो पाए, तो प्यारे बच्चों खान सर के जो नोट्स आते हैं, खान सर के पतली पतली बुक से ज्यादा मोटी बुक्स नहीं, आप उसको ले, वो आपके ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस के बाद भी आगे बहुत ज्यादा कामगार सिद्ध होंगे। खान सर के जो पटना वाले खान सर है उनके नोट्स मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, आप देख सकते हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके मैं आपको इसी चैनल पे, किस चैनल पे, AK पाठशाला नाम का जो चैनल है जिसपे आपकी मेरी वीडियो भी चल रही है, इसी चैनल पे स्टैटिक जीके के मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, पढ़ाऊंगा भी, बताऊंगा भी, PDF भी डालूंगा, बस आपको तैयारी करनी है। स्टैटिक जीके आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए प्यारे दोस्तों। इतना होने के बाद आपको प्यारे दोस्तों क्या ध्यान में रखना है, एक यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लाना है, एक प्रैक्टिस सेट लगाना है जो कि लगभग एग्जाम से 15-20 दिन पहले आपको लगाना है, यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। मैंने यूथ ही क्यों बोला, आजकल आपने देखा है कि बहुत से लोग चक्षु प्रकाशन को या अग्रवाल या दुनिया भर के प्रकाशन उन सबको इधर उधर आगे पीछे कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों मैंने यूथ की बात इसलिए की, ऐसा नहीं है कि यूथ वाले ने मेरे को कुछ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि दुनिया भर के इतने प्रैक्टिस सेट है, मैंने जो अपनी तैयारी में देखे हैं हर प्रैक्टिस सेट में, मैं नाम नहीं लूंगा, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 गलतियां हैं, परंतु यूथ में पूरे प्रैक्टिस सेट में पूरी बुक में आपको मुश्किल से 4 गलतियां मिलेंगी। इसमें जो सवाल आपका सही है वो सही है, जो सवाल आपका गलत है वो आपका ही गलत है, वो बुक में सही होगा, उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक या ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बेटा 100% तो एरर लेस कोई बुक है ही नहीं, एरर फ्री, लेकिन चलो ये प्रैक्टिस सेट कम से कम 95% एरर फ्री है, बाकी भी तरह नहीं है। बाकी काफी सेट्स में मैंने ऐसे भी देखे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल बता रहा हूँ, लगभग सभी सेट्स में कि एक सेट में ही 4 गलतियां होती हैं। मैं ये बात लिखित में दे रहा हूँ कि बेटा यूथ पब्लिकेशन का जो सेट आता है ना उसमें पूरे सेट में आप 4 गलती नहीं निकाल पाओगे, पूरे के पूरे सेट में, ये मेरी गारंटी है। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों आप सबकी एक काम की चीज, 48 दिन में आपको कैसे खत्म करनी है कोई चीज, ये तो आप ही जानते हो, स्ट्रेटेजी मैं तो बता नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे क्या मालूम। दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तो सब समझ में आ ही गया होगा, यूथ के सेट तक, प्रैक्टिस सेट तक। अब उसके आगे दोस्तों आपकी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके लिए बताने वाला हूं, आपको मालूम है प्यारे दोस्तों हिंदी और रीजनिंग को मिला के 95+ क्वेश्चन आने हैं या 95 क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि पिछली बार कुछ ऐसा था कि 18 क्वेश्चन समथिंग मैथ में, 55 क्वेश्चन रीजनिंग में, लगभग 39 क्वेश्चन हिंदी में और बाकी जीएस में 40 के आसपास, ऐसा था पिछली बार का जो रेशो था। तो मान के चलिए लगभग मैं ऐसा तो नहीं कि एक्यूरेट 95 भी हो सकता है, 96 हो सकता है, 93 हो सकता है, 94, लेकिन इतना मालूम है कि 95 के आसपास ही थे क्योंकि पिछली बार भी काफी पाली में पेपर होता, तो किसी में 97 भी है, किसी में 94 भी है, ऐसा है। तो प्यारे दोस्तों 95 क्वेश्चंस प्लस आपको हिंदी और रीजनिंग देगी, मतलब आपको ज्यादा समय हिंदी और रीजनिंग पे ही देना है। और ये बात मैं आपको बता दूं, पुलिस की रीजनिंग इतनी भी सरल नहीं आती है कि आप सोचोगे रीजनिंग तो बिल्कुल सरल है,
टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, चाहे आपने पहले कर रखी है तब भी, और हिंदी को भी। तो आपको मेरे भाई ये चीज समझ लेने की 95 का मतलब हो गया सीधे सीधे 190 को, मतलब 95 का मतलब हो गया सीधे सीधे 190 नंबर, और 190 नंबर में आपको हर हालत में अगर सिलेक्शन लेना है तो 175 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे, 175 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। यानी कि 95 में मान के चलिए आपको लगभग 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 85 या 87 88 क्वेश्चन सही करने ही है, इससे कम का तो ऑप्शन है ही नहीं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि तो जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग आपको 200 नंबर तो तब चाहिए जब आपका पेपर हार्ड हो 300 में से, और 220 तब चाहिए या 225 तब चाहिए जब आपका पेपर मॉडरेट हो, और जब आपका पेपर इजी हो तो कम से कम आपको 240 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो प्यारे दोस्तों उसके लिए हिंदी रीजनिंग का आपका बहुत बड़ा वेटेज है, इन दोनों सब्जेक्ट को सीरियस लेना, पढ़ाई करना। बाकी एक पाठशाला आपका जितना ध्यान रख सकती है उससे ज्यादा रखेगी, आप चिंता ना करें। डेली मैं एक वीडियो डाला करूंगा हिंदी की, मैं कोशिश करूंगा आपकी 20 दिनों में हिंदी की मैराथन, मतलब पूरा एक टॉपिक चाहे एक घंटे का हो चाहे दो घंटे का हो चाहे तीन घंटे का हो, कोशिश करूंगा वो पूरा एक ही वीडियो में खत्म हो जाए, और इतना सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिलता है। अगर आपको भरोसा ना हो तो मैंने कुछ वीडियो डाली भी है, कुछ और भी डालूंगा, आप 4 वीडियो देख के उनके प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको पता लग जाएगा कि मेरा पढ़ाई हुआ कितना फ्रूटफुल है, कितना कामगार है। अगर आपको लगे कामगार है उसमें आंसर आपको मिल रहे हैं तो बिल्कुल आप हिंदी मेरे चैनल से पढ़िए, आपको लगे नहीं तो बिल्कुल मेरे चैनल को डिसलाइक कर दीजिए, मना कर दीजिए, या कुछ भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है अनसब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूँ हिंदी और स्टैटिक जीके मेरे इसी चैनल पे चलेगी, एके पाठशाला पे। रीजनिंग या मैथ से संबंधित मेरा जो दूसरा चैनल है मैथ्स बाय एके दुबे नाम से, उस चैनल पे चलेगी। तो कृपया करके आप दोनों चैनल को ही पकड़े रहें, पकड़ते रहें और पढ़ते रहें। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप ले सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, मुझे इसी प्रकार प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज मेरे चैनल को फैलाइए ताकि मुझे आपका समर्थन और सपोर्ट मिल सके। थैंक यू प्यारे दोस्तों।